एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई और सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने अवैध वसूली की शिकायत पर कुल सचिव आवास के बाहर बने प्राइवेट बस स्टैंड का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जनपद में 2 महीने पहले 5 पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया गया था। जिला प्रशासन द्वारा पार्किंग को अलर्ट किया गया था, जिसमें से एक पार्किंग स्थल DDO कुल सचिव के घर के पास स्थित है। वहां पर अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में कैंट थाने में 3 मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसको देखते हुए सोमवार को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है तथा स्टैंड का निरीक्षण किया गया है और लोगों से उनकी समस्या को जाना गया है। लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है कि कौन कौन से लोग वसूली में शामिल हैं, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई किया जा सके। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह, कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में आज से करीबन 1.5-2 महीने पहले 5 पार्किंग स्थलों का निर्धारण कर जिला प्रशासन द्वारा उनको पार्किंग का अलॉटमेंट किया गया था। उनमें से एक पार्किंग स्थल जो कि रजिस्ट्रार कुल सचिव गोरखपुर यूनिवर्सिटी के घर के पास में स्थित है, उसमें अवैध वसूली की शिकायत हुई थी। शिकायत के आधार पर कल 3 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं एवं जो अभियुक्त जिनके खिलाफ वसूली के आरोप लगाए गए थे उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब और हम दोनों स्वयं मौके पर आए हैं यहाँ के लोगों से पूछताछ करने के लिए कि किसी प्रकार की समस्याएं बस वालों को सामना करना पड़ रहा है और उसके साथ साथ कौन कौन लोग हैं जो वसूली में लिप्त हैं, ताकि इसके बाद उन लोगों के खिलाफ भी आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। थैंक यू।